था तो एक भैया बता रहे थे कि फोन संभाल के रखना भाई, यहाँ तो दिन में भी लूटपाट हो जाता है, नशेड़ी वगैरह बहुत घूमते हैं, ड्रग्स वगैरह बोल रहा था। गाली भगते हो तू लोग, कैसे दिया दीदी? 60 रुपए। इधर टेंट पे प्लास्टिक डाल दिया है क्योंकि वाटरप्रूफ के ऊपर भरोसा नहीं है मुझे, तो अभी 12:30 बजे यार प्लास्टिक डाल रहा हूँ। प्लास्टिक डाल दिया है, पानी तो अंदर नहीं आएगा लेकिन नीचे से घुसेगा यार, बारिश तेज हो गया अभी तो। मैंने सोचा था सुबह जल्दी निकल जाऊँगा इधर से, लेकिन अभी 6 बज चुके हैं और पार्क में बहुत सारे लोग आ चुके हैं, सो बाहर निकल के देखते हैं। अभी इधर लगाया था टेंट और ये देखो प्लास्टिक ऐसे लगा दिया था, तो वहाँ से टेंट वेंट उठा लिया और अभी हाईवे जा रहा हूँ। ये सामने ये हाईवे पहुँच गया हूँ अभी, और कहीं पेट्रोल पम्प वगैरह पर जाके अभी फ्रेश अप हो लूँगा एंड उसके बाद शुरू करते हैं आज का नया एडवेंचर दिल्ली पे। कल रात को तो बारिश आ गया था, पूरा दिक्कत हो गया था एंड दिल्ली पे जो दिन में भीड़ लगा रहता है ना, सारी गाड़ियाँ अभी खड़ी है देखो इधर, और इधर देखो ठेले वाले लोग कचड़ा फैलाते हैं पूरा इधर एकदम से। शायद ये अभी साफ़ हो जाएगा बट रोज़ का ऐसा रहता होगा। यहाँ पे देखो ये साइकिल आप रेंट पे लेकर घूम सकती हो इधर रास्तों में, एंड रात को मैं रुका था इसी पार्क में ये वाला, वहाँ अभी आंटी लोग योगा वगैरह कर रहे हैं। ये देखो पूरा योगा वगैरह चल रहा है इधर। तो यहाँ पे एक पेट्रोल पंप था सामने, वहाँ पर फ्रेश हो गया, ब्रश वगैरह कर लिया, तो यहाँ पे ऑटो वाले आ जाते। कहाँ जाना है भैया, वहाँ जाना है, चलोगे क्या? लेकिन आगरा से कब है यहाँ पे? आगरा भी तो भाई परेशान कर देते हैं, पीछे पीछे आ जाते एकदम। आप चलते जाओ, वो लोग पीछे जा रहे थे, भैया बैठ जाओ। इधर देखो अभी धूप निकल रहे हैं, 6 बज चुके हैं। यहाँ पे सामने एक मंदिर दिखा है तो वहाँ से उतर के अभी नीचे आया हूँ, चार्जिंग का पूछता हूँ। फ़ोन पूरा स्विच ऑफ हो चुका है अपना, यहाँ पे देखते हैं। तो मंदिर पे इधर चार्ज का परमिशन मिल गया, चार्ज कर रहा हूँ अभी फ़ोन को, उसके फिर हाईवे पे जाऊँगा। तो अभी मंदिर से आ चुका हूँ, ये नीचे मंदिर है और हाईवे से सीधा नीचे सीढ़ी उतरने का है, और चार्ज कर लिया लगभग 1 घंटे तक वहाँ पे रुका और जब फुल चार्ज कर लिया अभी 100% हो चुके हैं मोबाइल पे, बैटरी का कोई टेंशन नहीं है। और कुकू भाई आज मिलने वाला है मेरे से, तो कुकू भाई आने वाला है, वो आएगा बोला है मेरे को। तो अभी लगभग 8 बज चुके हैं और पूरा धूप भी ऊपर आ चुका है, और रास्ते का कुछ ऐसा है। तो अभी कुकू भाई ने एक लोकेशन भेजा है, वहाँ पर चलते हैं, उसने बोला है वहाँ पे मिलेंगे एंड आज वो मुझे घुमाएगा यहाँ पे दिल्ली पे। वो बुआ के घर पे आया हुआ है, तेजू का ही है लेकिन वो उसकी बुआ यहाँ पे रहती है। तो अभी चलता हूँ, रोड क्रॉस कर लिया है और यहाँ पे देखो ओवर ब्रिज के नीचे लोग यहाँ पे सोए हुए हैं, इधर यहाँ पे भी, और इधर से आ रहा था मैं, अभी एक रास्ता इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है एंड ऊपर से भी जा रहे हैं, एंड मुझे जाना है अभी इस तरफ में। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है, 8 बज रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि 12 बज चुके हैं, इतनी गर्मी होने लगी है और भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। और वॉक कर रहा हूँ रास्तों पे, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है, तो मैं सोचा पैदल ही चला जाता हूँ क्योंकि मैं बहुत पैदल जाता हूँ यार, पैदल चलने का बहुत आदत है अपना। जब से मैं वो नागालैंड वाला जो नागिनीमोरा का पहाड़ चढ़ाऊँ ना, उसके बाद मुझे ऐसे पैदल 5-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर कुछ नहीं लगता, ऐसे चल जाता हूँ मैं। यहाँ पे देखो काफ़ी हरियाली है और यहाँ के बस भी काफ़ी अलग डिज़ाइन का है, ट्रांसपेरेंट एकदम, पुलिस वालों के लिए सही है, बाहर से दिख जाएगा कौन बैठा हुआ है, अंदर कैदी बैठा हुआ है या फिर
किसी को ढूंढना हो तो सीधा दिख जाएगा। और यहाँ पे रेलवे ट्रैक नोएडा है उस साइड। मैं आ रहा था तो एक भैया बता रहे थे कि फोन संभाल के रखना भाई, यहाँ तो दिन में भी लूटपाट हो जाता है, नशेड़ी वगैरह बहुत घूमते हैं, ड्रग्स वगैरह बोल रहा था। और दो तीन लोग आते हैं, चाकू ब्लेड मार देते और छीन के ले जाते हैं, ऐसा बोल रहा था। ये देखो इधर हाईवे, और ये हाईवे पार कर रहा हूँ अभी, काफ़ी मस्त लग रहा है यहाँ से। केले कैसे दिया दीदी? केले 60 रुपये। 10 का मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा बच्चे। कितना कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। हाँ, 3 नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। दे दीजिए। नहीं नहीं, 2 दे दीजिए। ठंडे वाले मत देना, ठंडा है क्या? अच्छे वाला दीजिए। तुम वीडियो बनाए। हाँ, इधर से केला ले रहा हूँ, 10 का 2 मिला है। और आम कैसे गए दीदी? 70 रुपये। अच्छा, ये कौन सा आम है? काफी सही लग रहा है ये। सफेदा। यहाँ पे फेमस कौन सा है दिल्ली पे? सफेदा। अच्छा, यहाँ का फेमस आम है ये। लंगड़ा। लंगड़ा लंगड़ा भी सही होता है ना? वीडियो बना रहे। हाँ, यूट्यूब पे। हाँ, ये कितने का बोला? 70। अच्छा, 70 का है, सही है। केला ले लिया दीदी के यहाँ से। ठीक है दीदी, चलते हैं, बाय बाय। और यहाँ पे ऐसा गली है सामने, इधर एक गुरुद्वारा भी है। इधर से और 500 मीटर दिखा रहे हैं, ये वाला रास्ता है। पानी बोतल देते हो क्या भैया? कितने का गिलान का? 30 रुपये। 5 लीटर? कितने लीटर? 15। कितने लीटर है? 20। 30 रुपये में 20 लीटर ना? ये कौन सा जगह है भैया? नेहरू नगर। 30 रुपये का केला लिया था, 2 मिला। काफ़ी महंगा है इधर, हमारे उधर 4-5 मिल जाते हैं। क्या कर रहे हो? हाँ क्या कर रहे हो? फिर से बोलना। फिर से बोलना एक बार। क्या कर रहे? अरे गाली भगते हो तू लोग, मत बोलो ऐसे। नमस्ते भैया। हमारे कुकु भैया आ गए हमें घुमाने के लिए। कैसे हो भैया? अभी ये मेरे को ले जाएगा इसके घर पे। अरे यार, इतना स्पीड क्यों जा रहे कुकु? रुको यार। कहाँ जा रहे इतना स्पीड से? इतनी खुशी। हाँ, खाने का कुछ मंगा ले जल्दी। तो अभी कुकू के यहाँ पे आ गया हूँ, और यहाँ पे कुकू भाई अपने लिए मैगी पका रहे हैं। यार देखो बहुत शर्मा रहा है बंदा। मैगी खाने का कहाँ कहाँ ले जाएगा बताओ? मेरा दिल में ले जाएगा। दिल में? हाँ, आज दिल में ले जाएगा, पूरा दिल्ली घुमाने वाले हैं यहाँ पे। दिल, पूरा दिल्ली। और क्या रेसिपी? सिर्फ बॉयल करेगा क्या? बनाओ बनाओ, अपना काम करो। 2 मिनट में तैयार हो जाएगा ना अभी। कुकू। हाँ सर, आपका सर। सर वाह यार, थैंक यू थैंक यू यार। तो कुकू ने अपने लिए मैगी बनाए बनाया। अभी खा के देखते हैं कैसा है। अच्छा है कुकू, टेस्टी है एकदम। हम लोग जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं भाई? नेशनल म्यूजियम। और कुकू ने उबर बैग क्या बुक बैग उबर बुक किया है,
और कितने किलोमीटर का भैया इधर से? ऐसा है कि 8-10 किलोमीटर। कितना चार्जेस होगा 8-10 किलोमीटर का? इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। डायरेक्ट ऑनलाइन भी होता है सपना? अरे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ओला उबर में हाँ। अब मैंने 10 किलोमीटर 120 में भी उतारा है। अच्छा। 150 में उतारा है। अच्छा। और 10 किलोमीटर के मैंने 800 रुपए भी लिए। अच्छा। वो 800 रुपए कैसे हो जाते हैं? जब सर्च प्राइस लगता है ना। अच्छा, अच्छा। तो बढ़ाता ही चला जाता है, बढ़ाता ही चला जाता है। अच्छा। यहाँ से आगरा का किराया जितना है हाँ। उतना किराया यहाँ से नोएडा तक का लगा है। अच्छा। जब सर्च प्राइस होता है तब उबर यहाँ पे बहुत चल रहा है। सीट बेल्ट लगा ली ना? हाँ लगा लिया। दिख नहीं रही है इधर है? ना दिखनी चाहिए। चलान कट जाएगा। दिखनी चाहिए। चल लग रही हो? चल लग रही हो। तो अभी आगे नेशनल म्यूजियम पे ये हाईवे और इधर कुकू भाई एंड अंदर तो अलाउड नहीं है ना कैमरा वीडियो। हाँ मेरा घर है, देख सकते हैं मेरा घर को। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, सिर्फ फोटो खींच सकते हैं। ये अच्छा लगा। फ्री यात्रा कर रहा है, ये खर्चा करवा रहा है मेरे को ही उल्टा। क्यों ऐसा करवा रहा है? ऐसा बोल देना होगा, तुम कम नहीं पहचानता। क्या बात कर रहे हैं बाबा? आईफोन मालिक भारतीय नागरिक 20 रुपए, विदेशी नागरिक 500 रुपए। हम लोग सिर्फ 20 रुपए में एंट्री किया। तुम 500 रुपए दे रहे? 20 रुपए दो। तुम फॉरेनर है ना भाई। और कैसा लग रहा है कुकू? बहुत बकवास, ये तुम्हें घोरा निकले लाया भाई ने। म्यूजियम से घूम के आ चुके हैं, वहाँ पे वीडियो वगैरह अलाउड नहीं था तो फोटो वगैरह क्लिक किए, कुछ ऐसा देख लीजिएगा आप। म्यूजियम है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं सीपी की ओर। चलो भैया। कैसे भैया? आज मौसम बहुत बढ़िया है ना? हाँ भैया, गर्मी नहीं है इधर भैया। अरे भैया बहुत अच्छा होते हैं। पसीना नहीं निकलता भैया। कैसे है ना भैया, कैसे चल रहे हैं? बहुत बढ़िया चल रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहे हैं। सीपी पे क्या क्या मिलेगा? चाहिए सब मिलेगा, सब मिलेगा, रोकड़ा भी मिलेगा। ये राष्ट्रपति भवन। तो पहले सीपी चलते हैं, उसके बाद आगे इंडिया गेट वगैरह देखेंगे। सीपी के अंदर आ गए, काफी बड़ा है इसके अंदर में। गायब हो गया था भाई, बाहर से छोटा दिख रहा है, अंदर बहुत बड़ा है। अभी हम लोग एटीएम पे आए हुए हैं और कुछ पैसा निकाल रहे हैं। कितना? 10,000। हाँ भैया क्या नाम बताया था? बंडा। बंटा बंटा पीने आए इधर। कितने रुपए है ग्लास का? एक का 40, 20 है। ये देखो भैया, 20 का बंटा 40 ले लिया। नहीं दोगे सही में? चलो ब्रो बढ़िया तो है, सही लग रहा है, हमको मजा नहीं आ रहा है। कुकु बार्गेनिंग करते हुए 70-60 ले लीजिए अंकल जी। हो गया 60। कितना बोल रहा था? 100 रुपए बोल रहे थे भैया। 60 में ले लिया अभी इंडिया गेट के लिए। हम तो थरे परदेशी, हमें क्या सोच रहे इंडिया का नहीं क्या? हम भी इंडिया का भैया। हम भी अरुणाचल से आए भैया, आई एम ऑल्सो इन इंडियन। आधार कार्ड भी है भैया हमारे पास।
हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी आ गए इंडिया गेट देखने के लिए और काफी धूप है। कैसा कैसा लग रहा है भाई धूप में? तूने बहुत मजदूरी करा है ये, इसको जबरदस्ती यहाँ पे लाया गया है, ये छाया पे रुका हुआ था। चलो अभी इधर से फोटोग्राफी करते हैं। तो भैया जी घर चलते हैं। तो इंडिया गेट का सीन कुछ ऐसा है एंड यहाँ पे वीआईपी लोग आए हुए हैं अभी। सो अंदर का नो एंट्री है और आसपास कुछ ऐसा है। चलो भैया फिर से चलते हैं नेशनल म्यूजियम। इंडिया गेट देख के आ गया है, अभी वापस म्यूजियम पे जा रहे हैं। अंदर जाने नहीं मिला, मजा नहीं आया। इधर देखो दिन भर ऐसे रास्ते को बिगाते रहते हैं। तो अभी जितना घूमना था घूम लिया एंड अभी यहाँ पे म्यूजियम के पास में एंड अभी कुकू के साथ उसके घर पे रहेंगे आज, उसके अंकल के घर पे। ये क्या हो रहा है भैया? लड़की किसने ऑर्डर कर दिया? वाओ हम भी। ये देखो भाई कुकू का रूम पे आ गया। एक क्या नाम है इसका? ओल क्या कर रहा है ये, मतलब खेल रहा है कि क्या कर रहा है? चप्पल चप्पल लेके आ रहे हैं। ओल आना नहीं भाई, भाई उठ जा उठ जा। तो यहाँ पे आए अभी कम्बी रोड पे मोमो खाने के लिए। ये आ गया ये अपना वेज मोमो और ये चटनी वगैरह कुछ ऐसा। तो अभी रात के 8 बज चुके और मैं आ गया कुकू के बुआ के घर पे। तो यहाँ पे आज स्टे करूँगा एंड कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय, जय हिंद, बाय बाय। बाय भैया लोग हमें छोड़ने आए हैं। अच्छा ठीक है, बाय बाय।